ध्वनि साउंड, अध्याय 14 का ध्वनि एवं साउंड, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपने दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं, जैसे पशु पक्षी की ध्वनि, मशीन गाड़ियों की ध्वनि, टीवी टेलीफोन की ध्वनि। ऐसे कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जिसमें हम नहीं सुन पाते, लेकिन कुछ पशु पक्षी उसे सुन सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अनेक प्रकार की ध्वनि हमें सुनाई देती है, और कई एक प्रकार की ध्वनि जिसको हम नहीं सुन पाते लेकिन पशु पक्षी उसको सुन पाता है। तो इसमें हम देखेंगे ध्वनि का उत्पन्न होना, ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, साउंड कैसे आता है, इसके बारे में अध्ययन करना है। तो जैसे आप अपने सामने देखेंगे, यदि आपके जेब से कोई सिक्का हो वो नीचे गिर जाता है तो उससे आपको ध्वनि उत्पन्न होता हुआ महसूस होता है, सुनाई देता है। इसी प्रकार आप एक क्रियाकलाप करके भी देख सकते हैं, एक टेबल लेंगे, टेबल में आपके पास यदि मेटल का कोई स्केल है तो उसको एक हाथ से दबाएंगे वो, और कुछ उसे टेबल से निकाल करके दबा कर तो छोड़ेंगे तो उससे ऊपर नीचे उसमें कंपन होता हुआ दिखाई देगा। तो वो कंपन दबा कर छोड़ेंगे तो ऊपर नीचे कंपन होता है, और कंपन के कारण आपको वो ध्वनि सुनाई देता है। इसी प्रकार आप यदि दो दीवारों पर क्लिप के सहारे से एक धागे को या रस्सी को बांध दे दोगे और उसके बाद उसको आप नीचे की ओर या ऊपर की ओर जब खींच करके छोड़ोगे तो उससे एक कंपन उत्पन्न होता हुआ आपको दिखेगा। तो ये कंपन होता उत्पन्न दिखता है, तो उक्त सभी जो ये क्रियाकलाप से आप देखेंगे कि ध्वनि किसी वस्तु में कंपन से उत्पन्न होती है। विभिन्न पदार्थ वस्तुओं में कंपन के भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि पदार्थ की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है, प्रत्यास्थता यानी उसकी जो तन्यता है या प्रत्यास्थ पदार्थ का वह गुण है जिसमें वह अपने आकार या अपने आकृति में परिवर्तन का विशेष या विरोध करता है, अर्थात वो अपने गुण जिसमें वह अपने आकार या आकृति में परिवर्तन जब होता है तो उसका वो एक विरोध करेगा। आप जिस प्रकार देखेंगे रबर ले लेते हैं या स्प्रिंग लेते हैं, स्प्रिंग को जब दबाओगे तो अपनी स्थिति में आने का प्रयास करता है, आपको विपरीत बल लगाएगा, आप दबाओ फिर छोड़ोगे तो वो अपनी स्थिति में आ जाता है। वैसे ही रबर है तो वो भी आपके जो बल है उसका विरोध करेगा, आप उसको खींचोगे तो वो तो इलास्टिसिटी आएगी, उसमें तन्यता आएगी, लेकिन उसको छोड़ोगे तो वो अपनी स्थिति में आ जाती है, यानी वो विरोध करता है। तो ये प्रत्यास्थता है, अर्थात जब किसी पदार्थ पर बल लगाकर उसकी आकृति या आकार में परिवर्तन किया जाता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है, तब वह प्रत्यास्थता के कारण उस परिवर्तन का विरोध करते हुए पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आने का प्रयास करती है। जो पदार्थ जितना प्रत्यास्थता होगा वह उतनी ही शीघ्रता से अपनी पूर्व स्थिति में आने का प्रयास करेगा। जैसे धातु से बने पदार्थ रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होते हैं, इसी कारण उन्हें मोड़ना या खींचना ज्यादा कठिन होता है। पदार्थ का यह गुण उनसे उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को प्रभावित भी करता है। ठीक है, फिर ध्वनि का हम तक पहुंचना, तो हमने देखा कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं से उत्पन्न होती है। ठीक है, जब कोई वस्तु कंपन करता है तो वह अपने संपर्क के माध्यम के कणों पर बल आरोपित करता है, अर्थात मान लो यहाँ से कंपन होता है किसी वस्तु पर, तो वो उससे जो संपर्कित कण है उस पर बल आरोपित करता है, धीरे 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 वो आगे बढ़ता है, अपने पास वाले जो कण है उसको वो ऐसे करके वो कंपन के कारण आगे बढ़ता है। तो यह माध्यम के कण पर बल आरोपित करती है जिससे माध्यम के कण अपनी जो संतुलित या विराम अवस्था से विस्थापित हो जाता है। ठीक है, मान लो एक कंपन हुआ तो पास वाले कण को वो बल आरोपित करेगा तो वो अपने स्थान से क्या होगा, विस्थापित होगा, और फिर वो दूसरे कण को आरोपित बल आरोपित करेगा। तो और अपने समीप के अन्य कणों पर समान बल आरोपित करते हुए ये विस्थापित कण पुनः अपने समीप के कणों पर बल आरोपित कर देता है, अर्थात ये उन्हें भी विस्थापित कर देते हैं। तो इसमें क्या है, समीप के कणों को विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्था में लौट आते हैं। इस प्रकार ऊर्जा का एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरण होता है और ध्वनि आगे बढ़ती है, और माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक
नहीं पहुंच जाती। तो इस प्रकार ध्वनि है वो हमारे तक पहुंचता है। ठीक है, तो जैसे कई प्रकार के आप आवाज सुनते होंगे कंपन करते हुए, तो वो किसी कारण से बल आरोपित जो विस्थापित होते हुए आप तक पहुंचता है। देखेंगे कि ध्वनि का जो संचरण है माध्यम के कणों त्यस्तता के आधार पर देखने पर ऐसे पदार्थ जिनमें उपस्थित कणों के जो मध्याकर्षण बल वो अधिक होता है वे अधिक प्रत्यास्थ होते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति में परिवर्तन करना ज्यादा कठिन होता है। ऐसे कणों में जो विक्षोभ जिसको बोलते हैं वो उत्पन्न करने पर वह शीघ्रता से अपनी पूर्व स्थिति में आने का प्रयास करते हैं, तथा वे कण जो शीघ्रता से अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं पुनः गति करने को तैयार होते हैं, और इस प्रकार वे तीव्र गति से कंपन या दोलन करते हैं। ऐसे माध्यम जिसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है, जैसे स्टील में ध्वनि संचरण कम प्रत्यास्थता वाले माध्यम होता है, जैसे रबर की अपेक्षा तेजी से या शीघ्रता से होता है। यही कारण है कि ठोस द्रव तथा गैस यानी वायु में ध्वनि जो संचरण है ठोस वो क्या होता है, ध्वनि में जो संचरण की गति है वो ठोस में सबसे अधिक और गैस यानी वायु में सबसे कम होती है। एक प्रयोग दिखाया गया है, इस प्रयोग में इस चित्र में जो दिखाया गया है यहाँ पर आप देखेंगे ये विद्युत धारा है और ये स्विच है और ये कार का बना हुआ है और ये चारों ओर जो बना हुआ है बेल जार है और ये विद्युत घंटी है। इसमें क्या दिखाया गया है प्रयोग में, एक विद्युत घंटी और कांच का एक बेल जार लिया गया, घंटी को बेल जार में लटकाकर बेल जार को निर्वात पंप से जोड़ा गया। घंटी के स्विच को दबाने पर उनकी आवाज़ सुनाई दी, जबकि निर्वात पंप से बेल जार की वायु को धीरे धीरे बाहर निकाला गया तब घंटी की ध्वनि धीमी पड़ने लगी। तो यद्यपि उसमें पहले जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, जब बेल जार की समस्त वायु निकाल दी गई तो घंटी की ध्वनि बंद हो गई, यहाँ निर्वात जो पंप है इसके माध्यम से ध्वनि निकाल दी गई। तो इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला गया कि निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं होती, अर्थात ध्वनि को सुनने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तरंगों के प्रकार कंपन की दिशा के आधार पर, तो हम जानते हैं कि जब तरंग संचरण होता है तो माध्यम के कणों का स्थानांतरण नहीं होता, अपितु वह अपनी मूल स्थिति के सापेक्ष कंपन या दोलन करते हैं। तरंग संचरण की दिशा के सापेक्ष माध्यम को जो कणों के दोलन की दिशा के आधार पर तरंग है वो दो प्रकार की होती है। तो एक तरंग है अनुदैर्ध्य तरंग लैंगिट्यूडनल वेव और दूसरा है अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव। ठीक, ये दो प्रकार की जो तरंग है इसके बारे में देखते हैं। इसमें जो अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग वे तरंग है जिसमें माध्यम की कणों का कंपन या दोलन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होता है, उन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंगों का संचरण भी इसी प्रकार होता है, अतः ध्वनि तरंग भी अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक स्प्रिंग वाला जो लेते हैं प्लास्टिक का ही, उसको हम एक ओर से खींचते हैं फिर धीरे धीरे उसको छोड़ते हैं फिर दोनों ओर खींच करके छोड़ते हैं, तो उसकी जो स्थिति है उसमें जो कंपन होता है उसको या दोलन जो करता है उस स्थिति को देखते हैं, तो वो माध्यम के कणों का कंपन है, संचरण की दिशा है, वो समानांतर आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। इसी प्रकार अनुप्रस्थ तरंग क्या है कि वह तरंग जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग संचरण की दिशा में लंबवत दोलन या कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। जैसे आप उसको खींचेंगे और देखेंगे लेकर, तो इस प्रकार की वो आपको तरंग करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, इसके बाद ध्वनि तरंग के अभिलक्षण भी देखते हैं। ध्वनि तरंग के जो अभिलक्षण है उसमें तरंग के स्वरूप को चार राशियों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ये चार राशियां हैं तरंग की, तरंग दैर्ध्य, उसकी आवृत्ति, आयाम तथा वेग। ठीक, हम जानते हैं कि ध्वनि तरंगों में क्रमशः संपीड़न तथा विलयन होता है। संपीड़न के क्षेत्र में वायु का जो कण है उसका घनत्व अधिकतम तथा विलयन के क्षेत्र में वायु के कण का घनत्व वो न्यूनतम होता है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे
कि जो तरंग दैर्ध्य है वो दो क्रमागत संपीड़नों श्रृंगों अथवा विरलनों यानी गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। दो क्रमागत संपीड़नों श्रृंगों अथवा विरलनों गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर है और इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं तरंग दैर्ध्य को, यानी लेमडा इस प्रकार उसको प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देखिए कि ये घनत्व है और ये दूरी है, तो इसमें बताया गया है कि गर्त और श्रृंग यानी श्रृंग और गर्त, जो गर्त है और श्रृंग है इसमें इसके बीच की जो दूरी है ये यहाँ से जैसे ये कंपन करते हुए आया तो ये उसके गर्त है और ये उसकी श्रृंग है। तो इसकी जो बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसको हम क्या कहेंगे तरंग दैर्ध्य। इसी प्रकार आयाम जो है तो इसमें आयाम क्या है, जब ध्वनि तरंगों वायु में गमन करती है तब वायु के कण दोलायमान होते हैं जिससे संपीड़न और विरलन है वो क्षेत्र बनता है। परिणाम स्वरूप किसी क्षेत्र का वायु घनत्व तो सामान्य से अधिक होकर उच्चतम स्तर एवं निम्नतम स्तर जो होता है निम्नतम स्तर तक घटाया बढ़ाया जाता या घटता बढ़ता है। तो ध्वनि तरंग के कारण माध्यम की घनत्व में मूल स्थिति में उतार चढ़ाव का जो मान है वो तरंग का आयाम कहलाता है। ठीक है, जितनी ऊंची या तीव्र ध्वनि हो उतना अधिक जो माध्यम के घनत्व में उतार चढ़ाव होता है अर्थात उसका अधिकतम तरंग का आयाम होता है। तो यहाँ इसे ए से निरूपित करते हैं। तो जैसे ये घनत्व है और इसमें ये दूरी है, इसमें उतार चढ़ाव होता है, ये वाला जो उतार चढ़ाव होता है यही उसका आयाम कहलाता है। ठीक है, ये वाला। इसके बाद हम देखते हैं आवर्तकाल टाइम पीरियड। तो आवर्तकाल क्या है, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों द्वारा किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में जो समय लगता है या गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। या दूसरे शब्दों कहें कि किसी माध्यम में घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। और इसे आवर्तकाल को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो एस आई मात्रक है आवर्तकाल का वो सेकेंड है। आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी, तो जब ध्वनि किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता है। घनत्व का अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक आकर पुनः अधिकतम मान तक पहुंचने पर एक दोलन पूरा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यदि हम प्रति एकांक समय में तरंग के एक बिंदु से गुजरने वाले संपीड़नों या विरलनों की संख्या की गणना करें तो हम ध्वनि तरंग की आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। इसे सामान्यतः स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। इनका एसआई पद्धति में मात्रक प्रति सेकेंड या हर्ट्ज होता है। ध्वनि की जो तीक्ष्णता है या तारतव्य है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति तथा आवर्तकाल के बीच एक संबंध होता है जिसे टी बराबर एफ अपॉन एन बोलते हैं या इसको एन बराबर वन अपॉन टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आवर्तकाल और ध्वनि से संबंध है। यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या है, क्या कहा गया, एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। यानी एक समय में इनकी दोलन की जितनी जो संख्या होती है उसकी ध्वनि तरंग कहलाती है। तो यहाँ पर एकांक समय में ये जो ध्वनि तरंग है वो कितनी संख्या में इसकी दोलन हुई है। ठीक है, एकांक समय में तो उसकी जो संख्या है वो उसकी आवृत्ति कहलाएगी। अब उसके बाद देखते हैं ध्वनि तरंगों की चाल स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।